हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक मिनी फैन बनाने जा रहे हैं। हमें उसके लिए दो पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। हमने एक 9 सेंटीमीटर का लिया है और दूसरा 6 सेंटीमीटर का। इसमें हम लिथियम बैटरी डालकर इसमें एक पुरानी डाटा केबल का यूज़ करेंगे। आप इस तरह की डाटा केबल का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें दोनों तरफ को जोड़ने के लिए दो सर्कल की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्कल हमने PVC पाइप के द्वारा कट कर लिए हैं। और हमें एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट में इजीली मिल जाएगा 20 से 30 रुपए में। और एक मिनी फैन और हमने एक प्रोपेलर दिया है जो मार्केट में इजीली 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा। हमने ये डाटा केबल का कनेक्टर लिया है जो आपको पुराने चार्जर की USB से मिल जाएगा। हम इसको इसके ऊपर रखकर इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार कट कर लेंगे। हमने इसको कट कर लिया है, अब हम इसमें इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हमें इधर इसको जोड़ना पड़ेगा और इधर मोटर लगाना पड़ेगा। चलो हम इसे भी जब हम इसमें लगाने के लिए इसको इतना कट कर लेंगे ताकि ये फिक्स इसमें आ जाए। अब हम इसको फेविक्विक की सहायता से इसमें चिपका लेंगे। आप हमने बड़ी फेविक्विक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 5 रुपये वाली फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक छेद कर लेंगे जिसकी मदद से तार अंदर पहुँच जाए। हम सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंद करो। अब हम इसके अंदर ये वायर को डाल लेंगे। अब हम इन दोनों वायरों को इस पर सोल्डरिंग कर देंगे। हम वायरों को थोड़ा कट कर लेंगे। हम इसमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से आराम से सोल्डर कर सकते हैं। हम इस सर्कल में इसको फेविक्विक की मदद से फिक्स कर लेंगे। हम इसको अंदर फिक्स कर लेंगे और फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। हमारे एक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट की तैयारी करते हैं। अब हम बैटरी में सोल्डरिंग कर लेंगे। हमने एक वायर को इसमें सोल्डरिंग कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और फेविक्विक की मदद से इसको इसमें चिपका लेंगे। दोस्तों, हमारा अभी एक सर्कल बाकी है, उसमें हम ये डाटा केबल को फिक्स करेंगे। हमने पेंसिल से मार्क किया हुआ कट कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और फेविक्विक की मदद से इसमें चिपका लेंगे। ये हमारा प्लस टर्मिनल होता है ये वाला, और ये माइनस का। हम प्लस वाले में प्लस को जॉइंट कर देंगे और माइनस वाले में माइनस को। चलो अब हम इसको सैंड पेपर की मदद से रब कर लेंगे, नहीं तो इसमें सोल्डरिंग नहीं होगी। अब हम इसमें आयरन की मदद से सोल्डरिंग करेंगे। और वायर को सोल्डरिंग ध्यान रखें, हम इसमें प्लस वाले वायर को ही सोल्डरिंग करेंगे। डाटा केबल के माइनस वाले वायर को बैटरी के माइनस से जॉइंट कर देंगे।
हम इसमें टेपिंग कर देंगे। हमने इसमें टेपिंग कर दी है, अब हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। फिक्स इसको फेविक्विक डाल दें इसके अंदर। हमने बैटरी को फिक्स कर लिया है, अब हम इस डाटा केबल को इसमें फिक्स करेंगे। डाटा केबल को हम इस तरह से फिक्स करेंगे। अब फेविक्विक हमें डाल देनी है। हम इसके साइड के पार्ट को सैंड पेपर की मदद से रफ कर देंगे, जिससे हमारे फैन में फिनिशिंग आ जाएगी। हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनकी टेस्टिंग की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। रुक जाओ, आप देख सकते हैं कि इसकी हवा कितनी अच्छी है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने इसको चार्ज करने के लिए कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं लगाया। हम इसे इस तरह से चार्ज करेंगे। हम इसे अपने किसी भी एडाप्टर में इस डाटा केबल को लगा देंगे और हमारा ये चार्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मिनी फैन देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम इसे ट्रेवलिंग करते समय अपने साथ ले जाकर इससे अच्छे से हवा ले सकते हैं। इधर करो, आप इसमें किसी भी प्रोपेलर का यूज कर सकते हैं। हमने ये बड़ा वाला भी लगा लिया। हमारे पास ये चार प्रोपेलर हैं। ये आपको मार्केट में इजीली 15 से 20 रुपये में मिल जाएगी और ये 10 रुपये में, ये 5 से 10 रुपये में इजीली मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में आपको और भी वीडियो मिलेंगी।